ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले से हमने चेन डाली, हम 16 चेन डालेंगे क्योंकि 38 साइज का हम बना रहे हैं, तो 16 चेन डालेंगे हम यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब एक चेन एक्स्ट्रा डाल के हम यहाँ से इसको टर्न करेंगे। हमको यहाँ से सिंपल स्टिच बनाना है। ये देखिए, यहाँ से हम इसे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से 2 का 1 करेंगे। अभी अगर आपको छोटा साइज बनाना है तो आप 16 की जगह 14 चेन डाल सकते हैं, 13 चेन डाल सकते हैं, जैसे आपका आप अपने साइज के हिसाब से इसमें अपना चेन डाल सकते हैं। ये देखिए, हम यहाँ से 16 चेन डाल के यहाँ से हम ऐसे सिंगल सिंगल बनाते लास्ट तक बनाते जाएंगे। देखिए, हम अभी लास्ट में पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम 3 डालेंगे, एक ही फंदे में 3 डालेंगे, 1, 2 और ये 3। ये हम यहाँ से 3 डाल के एक ही में, देखिए 3 हमने डाल दिए हैं। अब हम यहाँ से फिर से बिना इसके, ये देखिए, फिर से हम ये पूरी लाइन में एक एक डालते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ हम फिर से एक एक डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हम यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए हैं। अब हमने यहाँ 1 का 3 किया था, उसमें आप एक चेन डाल ली, एक घर डालिए, जो हमारे बीच का था उसमें हम फिर से 3 डालेंगे। देखिए, 1, उसी में हमको वापस 3 डालने हैं, 1, 2, 2 और ये 3। ये देखिए, ये देखिए इसी में हमने, एक ही में हमने देखिए 3 डाल दिए हैं। इससे हमारा यहाँ से राउंड आना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद वापस फिर हम एक चेन में एक ही डालेंगे। ये देखिए, अभी अब एक एक चेन में एक एक डालते जाएंगे। आप अपना हाथ ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा लूज रखना है। ये देखिए, यहाँ से हम इससे डालते जाएंगे। देखिए, ये अभी हमारा लास्ट हो गया। फिर एक चेन करेंगे, फिर इसको वापस ऐसे वापस करके फिर इसी में हम, ये देखिए, फिर हम ऐसे ही इसमें फिर से ऐसे डालते जाएंगे। देखिए, ऐसे करके फिर उसमें एक एक डालते, इसमें हाथ ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम फिर लास्ट में पहुंच गए हैं। हम देखिए, यहाँ से फिर हम जो 1 का 3 किया था वहाँ से हम वापस फिर वो 2 बनाएंगे, एक बनाएंगे, एक जो बीच का है उसमें फिर हम एक से फिर से 1 का 3 कर लेंगे, 2 ये 3। देखिए, अभी हमने एक ही में 3 डाल दिया है। उसके बाद फिर हम एक एक करके यहाँ लास्ट तक बनाएंगे, ऐसे करते करते। देखिए, हम लास्ट में आ गए हैं। अब फिर हम एक चेन डालेंगे, फिर इसको टर्न करके फिर यहाँ से हम वापस वैसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए,
डाला, दो का एक किया, बस हमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, सिर्फ इसमें दो का एक करना है और लास्ट बीच मिडल में जाके एक का तीन कर देना है ताकि हमारे राउंड शेप आती जाए। ये देखिए हम बताते हैं, ये देखिए आप क्रोशिया अपनी ऊन के हिसाब से मोटा पतला ले सकती हैं, ऊन अपने हिसाब से, आपको मोटी अच्छी लगे तो मोटी, पतली बारीक वाली अच्छी लगे तो बारीक आप ले सकती हैं। ये देखिए ये भी हमारा, फिर जो तीन की एक का तीन किया था हम सेंटर में पहुंच गए हैं, यहाँ से फिर हम एक दो ये तीन, फिर से हमने तीन किया, उसके बाद वापस फिर एक एक करके यहाँ तक बनाएंगे। ऐसे हम बनाते बनाते फ्रेंड्स, ये देखिए हम ऐसे पूरा इसको पूरा बना लेंगे। ये देखिए ऐसे हम पूरा इसकी शेप देंगे, अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड ये हमारे दोनों भी बन गए हैं, अभी हम इसके आगे का आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने यहाँ से हम 30 चेन डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। देखिए ये हमने अभी 30 चेन डाल दी है, अब हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से हम धागा लगाएंगे, देखिए यहाँ से हम यहाँ से धागा लगाएंगे, यहाँ से हम पाँच और इसको इसके साथ इस साइड से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ से हम धागा काट देंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ से ज्वाइंट हो गया। अगर आप ये गैप नहीं रखना चाहते तो आप इसको ऐसे रख के भी ज्वाइंट कर सकते हैं, ऐसे भी आप रख सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी रख सकते हैं। अभी हम इधर हमने ये देखिए इधर से भी हम 30 चेन डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, 30 चेन हम इधर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने 30 चेन इधर डाली और 30 चेन हमने इस साइड में भी डाल ली है, ये देखिए इस साइड में भी हमने 30 चेन डाल ली। अब हम इसके नीचे की बेल्ट बनाएंगे, देखिए दो छोड़ के हम यहाँ दो का एक करेंगे, दो का एक करते जाएंगे। ये देखिए सिंपल स्टिच हम बनाएंगे इसको, हम आपको यहाँ तक करके बताते हैं ना। देखिए अभी हम इसको यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे, देखिए हमें भी यहाँ से करते हुए यहाँ तक करके आपको बताते हैं, यहाँ तक हम पूरा यहाँ तक इसको ऐसे ही सिंगल स्टिच से बना लेंगे। देखिए लास्ट में बना के हमने 3 चेन डाली, अब हम यहाँ पर दो
डालेंगे। ये एक हमारा चेन का हो गया है और एक ये हो गया। अब एक चेन डालेंगे, फिर हम ये एक होल छोड़ के दूसरे होल में दो डालेंगे। ये देखिए एक और ये दो, ये देखिए फिर तीन का दो करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक चेन डालेंगे उसमें, फिर से एक छोड़ के फिर हम इसमें दो डालेंगे। ये देखिए एक ये दो, ये देखिए दो डाले, फिर एक चेन डाली, फिर यहाँ से हमने एक होल छोड़ के फिर इसमें डाला। ये देखिए हमारा ये देखिए ऐसे हमारा बनता जाएगा। अभी हम लास्ट तक आपको यहाँ तक लास्ट तक बना के दिखाते हैं। ये देखिए अभी हमने ये पूरी लाइन कर ली है। अभी हम यहाँ से ये देखिए एक चेन डाल के अब हम यहाँ से फिर दो डालेंगे। यहाँ से हम फिर वापस ये देखिए लास्ट में हमने एक आया है, हमने ये देखिए लास्ट में दो हुए। उसके बाद फिर हम तीन चेन डालेंगे, उसके बाद वापस फिर हम यहाँ से दो डालेंगे। ये देखिए एक चेन का हो गया और एक ये हो गया, दो हो गया, फिर एक चेन डालेंगे, फिर इसके ऊपर वापस ऐसे ही डालेंगे। ये देखिए हम इसी के ऊपर ऊपर हम डालते जाएंगे, इसी के ऊपर हम डालेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर हम एक ये दो, ये हमको तीन का, फिर एक चेन, ये हमको तीन का पहले दो करना है, फिर दो फ्रेंड्स हम ये देखिए ये हम लास्ट तक आपको बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी दो लाइन कंप्लीट हो गई हैं। हमने देखिए ऐसे किया है, अब हमको तीसरी लास्ट लाइन डालनी है। आप अगर चाहें तो इसका बॉर्डर चौड़ा भी कर सकते हैं, मैंने तो छोटा ही किया है। आप अपने हिसाब से चाहें तो बॉर्डर को चौड़ा कर सकते हैं। देखिए एक चेन डाली, एक चेन डाली, उसके बाद हमको सिंपल तरीके से ऐसे बनाना है जैसे हमने ये ऊपर लाइन डाली थी, सिर्फ सिंपल स्टिच डाला था, दो का एक किया था, उसी वही लाइन हमको पूरी ये देखिए हम दो का एक करते जाएंगे। ऐसे हम लास्ट तक ऐसे ही पूरा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी नीचे की बेल्ट पूरी हो गई है। अभी आप इसको चाहें तो और दो लाइन डाल के, एक लाइन डाल के, चार लाइन डाल के, जितना आप चाहें इसको यहाँ से चौड़ा बना सकते हैं। अब देखिए मैंने इतना ही चौड़ा बनाया है। आप देखिए यहाँ से अभी हम इसकी डोरी बांधने के लिए ये डोरी चेन बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस
सताई अठाई उनतीस। देखिए फ्रेंड, हमने 150 चेन डाली है और हम इसको अभी यहाँ से इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। दूसरे साइड में इसके साथ हम देखिए, दूसरी साइड में हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, अब हम एक चेन डालेंगे, इसको यहाँ से वापस निकाल के और इसको भी हम एक बार सिंगल सिंगल चेन का बनाएंगे। देखिए इसे, देखिए इसको हम यहाँ से पूरा, ये देखिए ऐसे हम, अब इसको हम ऐसे ही आगे तक हम ऐसे करके आपको यहाँ तक करके बताते, लास्ट तक करके हम बताते। देखिए फ्रेंड, ये हमने डोरी पूरी कर ली है, अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड, ये भी हमने पूरी कर ली है पट्टी, अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पट्टी बंद हो गई है। अब हम इसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हम इसको काट देंगे। अब हमको यहाँ से दूसरी बेल्ट बनानी है। ये देखिए, अभी हमको यहाँ से दूसरी बेल्ट बनानी है। अभी हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ से वापस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे, इसकी बीडिंग टाइप की कर देंगे। यहाँ से हम इसको, हमने इधर 30 चेन डाली थी, 30 चेन ही हम इधर डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये हमारी 30 चेन हो गई है। अब हम यहाँ से धागा काट देंगे। देखिए ये 30 चेन हो गई है हमारी। अब हम इसको यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, और हम यहाँ से इसको पक्का कर देंगे और ये धागा यहाँ से काट देंगे। ऐसे ही हम इधर से भी इसकी, यहाँ से भी हम इसकी ऐसे ही गांठ लगा देंगे। ये देखिए, काट दें। अब ऐसे ही हम इस साइड में भी, दोनों साइड में चेन बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम
यहाँ से हम यहाँ भी 30 चेन डालेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 30 चेन हमने डाल ली। ये देखिए अभी हम यहाँ से इसको भी यहाँ से बंद कर देंगे, इसको भी ऐसे ही हम बंद कर देंगे यहाँ से। देखिए इसको यहाँ से बंद कर दें। अब हम इसको वापस वापस यहाँ से क्रोशिया निकालेंगे। देखिए यहाँ से वापस क्रोशिया निकाल के भी हम इसको वापस यहाँ पे ये हमारी पट्टी है इसको हम वापस से यहाँ एक बार ये कर देंगे। यहाँ से फिर 30 चेन बना लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये हमने 30 चेन बना ली है। देखिए हम इसको भी यहाँ से बंद कर देंगे। इसको भी यहाँ से हम गार्ड लगा देंगे। ये देखिए इसको भी यहाँ से हम गार्ड लगा देंगे। देखिए अभी हम यहाँ से इसकी चेन बनाएंगे। देखिए हमारे पास ये सेंटर है, यहाँ से सेंटर से हम देखिए यहाँ से हम सेंटर से यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। देखिए हम इसको यहाँ तक नापेंगे, कम है 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब हम 50 चेन डालकर यहाँ से हम इसको यहाँ तक देखिए हमारा यहाँ तक 50 चेन में हमारा यहाँ तक पूरा हो गया है। ये देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम इसको ये देखिए हमारी 50 चेन हो गई है।
हम दो चेन कम करेंगे। देखिए आप अपने साइज के हिसाब से चेन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अभी हम इसको यहाँ पे, ये देखिए अभी हम इसको यहाँ से इसको ऐसे बंद कर देंगे। देखिए इसको ऐसे यहाँ से बंद कर देंगे, क्योंकि बाद में जितने ये हमारे धागे हैं हम सबको अंदर करके अच्छे से पैक करेंगे। ये देखिए ये हो गया है, ये हमारी से होगी। इसी तरह हम दूसरी साइड भी बना लेंगे ना। देखिए फ्रेंड ये हमारी भी पूरी, देखिए फ्रेंड हमारी ये भी पूरी हो गई है। हमने यहाँ एक बेल्ट बना दी है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़े बना सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। और ये हमने यहाँ पे पीछे चेन बना दी है, ये देखिए आप इसको ऐसे बांध के ऐसे बांध दीजिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन में हमारी वीडियो मिलती रहे, और कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू। देखिए ऐसे करके आ जाएगी।